ऐसे शख्स है कि इनके दरबार पर दौलतमंद भी हाजिरी देता है, एक फकीर भी हाजिरी देता है, और हर एक कौम जो है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी जात हो, वो इनके दरबार पर आके रोते हुए आते हैं या हंसते हुए जाते हैं। वाइटलिस्ट 24 में आपका इस्तकबाल है। नॉर्थ 24 परगना के टीटागढ़ में हजरत सूफी मोहम्मद कमर अली इफ्तखारी अल रहमा का 38वां सालाना उर्स हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हजरत सूफी मोहम्मद कमर अली इफ्तखारी अल रहमा का 38वां सालाना उर्स के मौके पर हजरत गुलाम मुस्तफ़ा इफ्तखारी की क़यादत और मोहम्मद रियाजुद्दीन उर्फ अरमान मंडल की सरबराही में अकीदतमंदों का एक जुलूस टीटागढ़ बांस बागान वार्ड नंबर 4 से निकाला गया, जो टीटागढ़ करबला हजरत इनायत अली शाह अल रहमा हजरत वारिस पाक टीटागढ़ी अल रहमा के आस्थाने से होता हुआ टीटागढ़ कब्रस्तान में मुकीम हजरत सूफी मोहम्मद कमर अली इफ्तखारी अल रहमा के आस्थाने पर हाजिर देकर इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर टीटागढ़ म्युनिसिपैलिटी के नौ मुंतखब काउंसलर ओम प्रकाश साव, कमलेश साव, मोहम्मद जलील, प्रशांतो चौधरी, विष्णु सिंह, श्री पार्वती देवी के अलावा डॉक्टर मोइनुद्दीन, प्रदीप कुमार पात्रा, मोहम्मद नईम वगैरह पेश नजर आए। जो टीटागढ़ स्टेशन उस पार में कमल हरी साहब जी का जो लेटे हुए हैं उनके विषय में बहुत बड़ा इतिहास है। उनके विषय में पूछने के लिए हम लोग के पिताजी कहा करते थे, वो एक इतिहास बना हुआ है। वो ऐसा जगह पर है कि वो हिंदू भी हो और मुसलमान भी हो, एक तरफ उनका पूजा होता है तो एक तरफ हम लोग का हिंदू दुर्गा पूजा होता है। वो मज़ार एक ऐसा मज़ार बन चुका है कि टीटागढ़ में कहने के काबिल है, टीटागढ़ के लोग नहीं बाहर से लोग आते हैं देखते हैं। आज उनका 38वां बरस जो लेटे हुए हैं, मैं उनको नमन करता हूं, मैं उनको श्रद्धा करता हूं। मुझे ऊपरला करम है, इन पीर बुजुर्ग का, खाजा बाबा का करम है, और हमारे कमर अली शाह सैयद शाह बाबा इमाम हुसैन का दुआ है मेरा ऊपर, और उनके करम से और लोगों के दुआ से, बुजुर्गों से कि हम काउंसिलर में जीते। मैं क्या बोलूँगा, बोलने का तो बहुत कुछ है, लेकिन आज जो है हम लोग यहाँ कमर अली शाह का हम लोग उर्स मना रहे हैं, जो जल चादर पोसी आप देखें कि आज उनका 38 ईयर्स हो गया है, लेकिन हम लोग हर एक साल धूमधाम से मनाते हैं। आप देखें कि ऐसे लोग में हम लोग टीटागढ़ में कितना उत्साह रहा, जब हम लोग चादर पोसी हम लोग ले कर निकले टीटागढ़ से, तो हम लोग कुछ आदमी लेके निकले रहे, लेकिन इतने तादाद में लोग हो गए बोल नहीं सकते हैं कि कितने लोग तादाद में हो गए, कि मेरे माता बहनें, मेरे भाई बुजुर्ग सब शामिल है उसमें, और उसमें चिन्हा नहीं जा रहा है कौन मुस्लिम है, कौन हिंदुस्तानी है, कौन ओडिया है, कौन मद्रासी है, कौन पंजाबी है, कौन बंगाली है, सब धर्म के लोग मेरे संग जुड़ गए। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो पीर ओरिया का मजार पर है, तो ये ऐसे शख्स है
कि इनके दरबार पर दौलतमंद भी हाजिरी देता है, एक फकीर भी हाजिरी देता है, और हर एक कौम जो है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो कोई भी जात हो, वो इनके दरबार पर आके रोते हुए आते हैं या हंसते हुए जाते हैं। हजरत इफ्तखारुल हक तपस्वी, आप फरमाया करते थे और मैं वही विर्द करता हूँ, जे तेरे होने ही से तो मेरी हस्ती हो गई हस्ती, तेरे होने ही से तो मेरी हस्ती हो गई हस्ती, यकीनन मैं नहीं हूँ, यकीनन मैं नहीं हूँ, तू ही तू है मेरी हस्ती में। कहने का अलगरज ये था उनका, जे मेरा पीरो मुर्शिद का ये करम है हजरत इफ्तखारुल हक का, जे आज मैं कमर अली शाह बना हूँ। फिर दोबारा इरशाद फरमाए, आप देते हैं आवाज़ हमको सुनाते हैं, क्योंकि तो मुझको देना था उनको, इसलिए मुझको बार बार करते थे और बार बार कहते थे। नज़र आती है मुझको अपनी हस्ती यार की हस्ती, नज़र आती है मुझको अपनी हस्ती यार के हस्ती, फना जब से हुई है मेरी हस्ती उनकी हस्ती में। कहने का मतलब ये हुआ, जे तू अपने आप को फना कर दे, मैं तेरा हूँ तू मेरा है। इसलिए हिंदी में कृष्ण जी भी लिखे हैं, जे सर्वभूते प्रसन्त आत्मा ना सोचति ना कंक्षति, सम सर्वेशु मम भक्तिम लभते प्राम। कृष्ण कहते हैं जे सुनो अर्जुन, तुम अपने फायदे के लिए मेरे पास आते हो, मगर कुछ व्यक्ति ऐसा है जो वो मेरे पास सटे हुए हैं, उनकी माँ मर गई है फिर भी वो रोता नहीं है, मेरा ही नाम का माला जपता है। इसलिए ये अर्जुन तुम गवाह रहो, आज वो कह दे जे ए प्रभु हमारी माँ को जिंदा कर दो, तो मैं उस लायक हूँ उसको जिंदा कर दूँगा, मगर तुम याद रखना अपने फ़ायदा के लिए हो, वो फ़ायदा के लिए नहीं है, इसलिए मैं उसका हूँ और वो मेरा है। आज जब वो मेरा हो गया तो क्या चीज़ का कमी है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ जे कमर अली शाह मेरा है और मैं उनका हूँ, जब तक वो हैं हमारे पास कोई चीज़ का कमी नहीं है।